पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला है। भले ही इमरान खान ने बड़ी संख्या में लोगों को जुटाकर अपनी ताकत दिखाई हो, लेकिन उनकी असली ताकत तब मानी जाएगी जब संसद में उनकी सरकार को बने रहने के लिए जरूरी वोट प्राप्त हों। पाकिस्तानी संसद में बहुमत के लिए 172 सांसदों की जरूरत होती है, लेकिन इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अन्य सभी पार्टियों के कुल 39 सांसद इमरान का साथ छोड़ चुके हैं, जिसके बाद इमरान की कुर्सी खटाई में पड़ती दिख रही है। ऐसे में ये जानना भी दिलचस्प हो जाता है कि आखिर पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया कैसी होती है। प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नेशनल असेंबली के कम 20% यानी 68 सदस्यों के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। सेक्रेटरी अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस सर्कुलेट करेगा, जिसे अगले वर्किंग डे पर पेश किया जाएगा। नियमों के मुताबिक जिस दिन से प्रस्ताव पेश किया जाता है उस पर 3 दिन से पहले और 7 दिन के बाद वोटिंग नहीं हो सकती। सत्र बुलाए जाने के 3 से 7 दिनों के बीच होना चाहिए प्रस्ताव पर मतदान। सेशन स्टार्ट होने से पहले असेंबली हॉल के बाहर मौजूद सांसदों को सूचित किया जाता है, फिर दरवाजे बंद होते हैं। प्रस्ताव के पक्ष वाले सदस्य एक गेट से, जबकि प्रस्ताव के खिलाफ वाले सदस्य दूसरे गेट से बाहर निकलते हैं। सदस्यों के बाहर निकलते ही काउंटिंग शुरू होती है। हॉल के खाली होने पर मतगणना पूरी होती है और सभी सदस्य फिर से हॉल में प्रवेश करते हैं। मतगणना पूरी होने के बाद स्पीकर रिजल्ट अनाउंस करता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतदान सफल होने पर स्पीकर लिखित रूप में राष्ट्रपति को रिजल्ट सबमिट करता है और सेक्रेटरी अधिसूचना जारी करता है। सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। नियमों के मुताबिक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ऐसे समय में सत्र की अध्यक्षता नहीं कर सकते जब उनके निष्कासन पर विचार किया जा रहा हो। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाए जाने पर गजट में एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है।